बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज मुझे कन्या पूजन करना है। और ये मैंने कढ़ाई में घी छोड़ दिया है, घी गर्म हो गया है अच्छे से। और अब मैं इसमें सूजी डालूंगी और हलवा बना रही हूँ। और वो मैंने वहाँ पे हलवे का पानी रख दिया है चीनी डाल के गर्म करने के लिए। और चने भी मेरे उबल गए हैं और आटा भी लग गया है मेरा। और अब मैं हलवा बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैंने सूजी डाल दी है इसमें। और तब तक सूजी अच्छे से लाल होगी तब तक इसका बाखर भी पक जाएगा। और बाखर पकाने से क्या होता है कि हलवा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं गर्म करके ही डाल रही हूँ। ये देखिए, सूजी पक के लाल हो गई है, एकदम अच्छे से भुन गई है। और अब मैं ये चीनी का पानी इसमें डाल दूँगी। और ये थोड़े से चने भी डालूंगी मैं इसमें। और हलवा मेरा बन चुका है। और ये मैंने चने फ्राई किए हैं, इन्हें भी मैं इसमें निकाल लूंगी टोकरी में, और उसके बाद चनों को फ्राई करूंगी। देखिए, हलवा बनकर एकदम रेडी हो गया है। और अब मैं किसी बर्तन में इसे निकाल के रख दूंगी, उसके बाद मैं चने फ्राई करूंगी। और ये मैंने तेल में जीरा छोड़ दिया है, और ये टमाटर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, बस आधे चने ही बनाऊंगी मैं। बस इन्हें फ्राई करके चने को मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और ये मैंने नमक डाल दिया है इसमें, और इन्हें अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें चने मिक्स कर दूंगी। और वो चने मैंने उबाल के रख दिए हैं टोकरी में करके। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, एकदम मसाले में तेल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी और मिक्स करके उतार दूंगी। और हमारा चना मसाला बनके तैयार है माता रानी के भोग के लिए। ये देखिए, चने बनकर तैयार हो गए हैं। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, और अब मुझे उतारनी है पूरियाँ, और उसके बाद ही मैं कन्या पूजन करूँगी। तैयार है, और अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम कन्या पूजन करेंगे। तो अब हम पहले माता रानी को भोग लगा लेते हैं। और खाना हमारा सभी बन के तैयार है। और निहाल के पापा काट रहे हैं नारियल, और ये निहाल दो कलर की प्लेट लाया है कन्याओं के लिए। देखिए, एक इस तरह की और एक इस तरह की, बस कैसी पसंद है बता दें, इसकी दो तरह की लेके आया है। और अब हम कन्याओं के लिए खाना परोस देते हैं, तब तक निहाल कन्याओं को लेने गया है। और फिर हम आपको दिखाते हैं हम किस तरह से करते हैं कन्या पूजन। तो चलिए, हम पहले खाना लगा लेते हैं कन्याओं के लिए प्लेट में। ये देखिए, खाना मैंने लगा दिया है, लेकिन अभी कन्या लेकर निहाल आया नहीं है, और आदि भी आ गया है घूम के, इसे तो कन्या मिली नहीं है अभी। और आदि निहाल गया हुआ है कन्याओं को लेने, और तब तक मैंने खाना लगा के रेडी कर दिया है। ये देखिए किस तरह से लगाया है मैंने। और अब कन्या आ जाएंगी थोड़ी देर में, उसके बाद ही हम कन्या पूजन करेंगे।
गया है अच्छी तरह से, और अब हम भी अपना व्रत खोल लेते हैं। और ये देखिए निहाल के पापा ने तो अपना व्रत खोल लिया है, देखो। और आइए आप लोग भी हमारे साथ अपना व्रत खोल लीजिए। और ये है मेरा खाना, और बच्चों ने भी खाना खा लिया है, और बच्चे जाएंगे अब स्कूल, आज लेट जाएंगे 9 बजे, और अभी 9 बजने में थोड़ा टाइम बाकी है। तो ये देखिए बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए, तो हम हलवे से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए खाना। और इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।